Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing Standard 3rd English Grammar की बुक का टेस्ट पेपर 3rd. सबसे पहले हमारा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट इन सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यू टेंस. आपको यहाँ पे वर्ब दे रखी हैं, इनको फिलअप करना है. या तो आपकी सिंपल पास्ट में होनी चाहिए या फिर आपका पास्ट कंटिन्यू होना चाहिए. ये आपको देखने पे पता लगेगा सेंटेंस को. जॉर्ज फेल ऑफ द लैडर वाइल ही वॉज पेंटिंग द सेलिंग. मतलब वो कर रहा था, क्या कर रहा था, छत पे क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तो वो लैडर सीढ़ियों से नीचे गिर गया. लास्ट नाइट आई रीड अ बुक वैन आई सडनली हियर्ड अ स्क्रीम. कि पिछली रात मैं बुक पढ़ रहा था. लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग अ बुक वैन आई सडनली हियर्ड अ स्क्रीम. नेक्स्ट है वट वर यू डूइंग वैन आई वॉज कॉलिंग यू. कि तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुम्हें बुला रहा था. साक्षी वॉज वेटिंग फॉर मी वैन आई अराइव्ड. नेक्स्ट है स्वाति वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. आपका जहाँ पे आई एन जी आया हुआ है वो आपका कंटिन्यू है, और जहाँ पे आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है जैसे यहाँ पे है, ये आपका सिंपल पास्ट है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू. कंटिन्यू की एक ही पहचान होती है, उसमें वर्ब के साथ आई एन जी मिलेगा. यहाँ पे दे विल प्ले दे रखा है तो आई एन जी का कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर है. नेक्स्ट में है विल बी फीलिंग. यहाँ पे विल के साथ बी लगा हुआ है और साथ में आई एन जी आया हो तो ये क्या है, आपका फ्यूचर कंटिन्यू है. नेक्स्ट है द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम. ये आपका सिंपल फ्यूचर है. नेक्स्ट है आई विल नॉट बी अटेंडिंग द स्कूल टूडे. ये है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस. नेक्स्ट है आई विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी. ये आपका सिंपल फ्यूचर है. इसके बाद आता है वेयर इज द रैबिट प्लेस्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर. यहाँ पे पिक्चर है और अलग अलग पिक्चर के अंदर जो आपको रैबिट दिखाई दे रहा है आपको उसकी पोजीशन बतानी है. मींस हमें क्या करना है, प्री पोजीशन करना है. रैबिट बैग के अंदर है तो इट मींस हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन. ये बैग के पीछे है तो हमने यूज किया बिहाइंड. ये बैग के नीचे है तो हमने यूज किया अंडर. और ये बैग के बिल्कुल सामने बैठा है, जब कोई चीज़ बिल्कुल सामने होती है तब हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ. और ये बैग के ऊपर है तो हम यूज करेंगे ऑन का. नेक्स्ट है एक्सरसाइज डी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्राइट कंजक्शन. कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. द स्टोर वॉज क्लोज्ड. जो स्टोर था वो बंद था. सो आई वेंट होम. इसीलिए मैं घर चला गया. आई लाइक एप्पल्स बट यू लाइक ऑरेंजेस. मुझे तो क्या पसंद है, सेब, परंतु तुम्हें ऑरेंज पसंद है. तेजस फेल डाउन एंड हर्ट हिज फीट. तेजस गिर गया और उसे जो उसके पैर थे उसमें उसको चोट लग गई. टॉम इज इनसाइड द हाउस बट जेरी इज आउटसाइड द हाउस. टॉम घर के अंदर है परंतु जेरी घर के बाहर है. दृष्टि इज अ रिच गर्ल बट सी इज वेरी हम्बल. दृष्टि क्या है, अमीर गर्ल है परंतु फिर भी वो बहुत हम्बल है. नेक्स्ट आता है मेक अ सेंटेंस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरजेक्शन वर्ड. यहाँ पे आपको इंटरजेक्शन दिए गए हैं. इंटरजेक्शन क्या होते हैं, जब आपके मुंह से सडन साउंड निकलती है उसको इंटरजेक्शन बोला जाता है. यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं जिसे आपको सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट हमें दे रखा है हुर्रा. हुर्रा का यूज करते हैं अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए. हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. हम मैच जीत चुके हैं. वाओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ओ ओ आई कट माई फिंगर. वंडरफुल वंडरफुल व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज. नेक्स्ट आता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कैपिटल लेटर एंड करेक्ट पंचुएक्शन मार्क. यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर भी रिटर्न करना है और पंचुएक्शन मार्क भी लगाने हैं. तो सबसे पहले कैपिटल लेटर का रूल होता है कि इंग्लिश जब भी हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, और उसके बाद अगर हमारा कोई नाउन है
तो वो कैपिटल लेटर में आता है, अदरवाइज सारे लेटर स्मॉल होते हैं। जैसे यहाँ पे है वेयर इज माई बैग, अगर हमने W जो हमारा स्मॉल लिखा हुआ है इसको हमने कैपिटल बनाया तो ये बन गया वेयर इज माई बैग, परंतु ये क्या है क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन के लिए हम क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है पुनीत लव्स टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे पुनीत का पी कैपिटल आएगा और सारा सेंटेंस ऐसे जाके फुल स्टॉप लग जाएगा, ये हमारा सेंटेंस सिंपल है। नेक्स्ट है देयर इज एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ मैंगो इन द बास्केट, यहाँ जो टी है वो कैपिटल आ जाएगा, देयर इज एन एप्पल, एप्पल के बाद आएगा कोमा, क्योंकि जो इक्वल इक्वल सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर उसके अंदर कोमा लगाया जाता है, जैसे एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ मैंगो इन द बास्केट। नेक्स्ट है हु लिव्स इन दैट हाउस, हु में W जो है वो कैपिटल आ जाएगा, हु लिव्स इन दैट हाउस और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है मे आई कम इन, ये भी परमिशन मांग रहा है तो मे का M कैपिटल आएगा और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो ये बन जाएगा मे आई कम इन। नेक्स्ट है ओ आई एम सॉरी, ओ आई एम सॉरी, यहाँ ओ के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया और लास्ट में लग गया आपका फुल स्टॉप। नेक्स्ट है थैंक यू सो मच, थैंक का जो टी है वो कैपिटल आएगा, थैंक यू सो मच और उसके बाद आपका लग जाएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, यहाँ जो डिड है डिड का जो डी है वो कैपिटल आएगा, डिड यू फिनिश यू योर होमवर्क और यहाँ होमवर्क के बाद आपका लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये है आपका टेस्ट पेपर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।